गुड मॉर्निंग, दिस इज़ प्रतिपाल यादव, योर मोस्ट वेलकम इन माई क्लास. यस डियर स्टूडेंट, क्लास 8th, चैप्टर 1, हिस्ट्री, एंड आवर चैप्टर नेम, टॉपिक नेम, हाउ, वैन एंड वेयर. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन फॉर यू, बिकॉज आपने देखा होगा कि हिस्ट्री एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर उसको हम एक स्टोरी के रूप में, कहानी के रूप में उस चैप्टर को पढ़ाया जाए तो ये एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है और पढ़ने पढ़ाने के अंदर भी मज़ा आता है. लेकिन कई बार कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ फैक्ट्स को लेकर हम हिस्ट्री को बोरिंग सब्जेक्ट महसूस होता है कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन वाकई अगर उसको पढ़ाने का तरीका अलग हो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. इसको एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ाया जाए तो, लेकिन फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समय के अनुसार कुछ फैक्ट्स भी बताने पड़ते हैं. तो बात करते हैं हम इसकी कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री. ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका रिप्लाई चाहिए कि हिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है. यहाँ हम बात करते हैं, देर वॉज ए टाइम, ये एक समय था, वैन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स, यानी हिस्ट्री के अंदर जब अर्ली टाइम में आप हिस्ट्री पढ़ते थे, कुछ समय पहले हिस्ट्री पढ़ते थे, तो जो हिस्टोरियंस क्या होते हैं, ए पर्सन हु रोट अबाउट हिस्ट्री, जो इतिहास के बारे में लिखते हैं या लिखते थे, उन्हें हिस्टोरियंस कहा जाता है. और वो फैसिनेटेड होते थे विद डेट्स, यानी हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, पहले हिस्ट्री जो सब्जेक्ट था इसके अंदर डेट्स को बहुत अधिक मेंशन किया जाता था, कौन सा इंसिडेंट कब हुआ, कौन सी घटना कब घटी, और उसमें इतनी अधिक डेट्स होती थी कि बहुत अधिक डेट्स को हिस्ट्री के अंदर मेंशन किया जाता था. प्रत्येक व्यक्ति हिस्ट्री को पढ़ने से डरता था कि इतनी अधिक डेट्स हमें याद करनी पड़ जाती, यानी कि उन लोगों ने एक ऐसी धारणा बना रखी थी हिस्ट्री मतलब डेट्स, उन्हें बहुत सारी डेट्स याद करनी पड़ेंगी. इस प्रकार डेट्स को बहुत अधिक वैल्यू दिया जाता था. इट मीन्स कि कौन सा राजा कब बना, उस रूलर का टाइम क्या था, कब वो राजा बना था. सेकेंडली बैटल, कि उस राजा ने, सच एज अकबर का एग्जांपल ले सकते हैं, बाबर का एग्जांपल ले सकते हैं कि अकबर ने किस बैटल को लड़ा, बाबर ने किस बैटल को लड़ा. क्राउंड, कि कब उसने सिंहासन पर कब्जा किया, वो डेट क्या थी. इस प्रकार आपने देखा कि शासक कब बना, कब उसने सिंहासन पर कब्जा किया, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स थी जो उसके द्वारा लड़ी गई थी, उन सबको भी मेंशन किया जाता था. मेंशन करने के साथ साथ उनका जो टाइम पीरियड था उसको मेंशन किया जाता था. अब इतनी अधिक उसमें डेट्स होती थी तो उनको याद करना बहुत ही मुश्किल होता था. और क्राउंड का मतलब होता है उसने कब सिंहासन किया, इस प्रकार की चीज़ों को मेंशन किया जाता था. सेकंड होता है, हिस्ट्री वाज ए सिनोनिम्स विद डेट्स. मैंने अभी बताया था कि हिस्ट्री के अंदर बहुत अधिक डेट्स मेंशन की जाती थी, एक प्रकार से हिस्ट्री पर्याय बन गई थी डेट्स की. आपको हिस्ट्री पढ़ना, इट मीन्स आपको ए लॉट ऑफ डेट्स आपको याद करनी ही पड़ेंगी. ओके, इस प्रकार जो सिनोनिम्स बन गए थे हिस्ट्री डेट्स के साथ. सेकेंडली हम देखें, हिस्ट्री फील्स बोरिंग सब्जेक्ट. अब मैंने आपसे पहले कहा था, ए लॉट ऑफ डेट्स होने के कारण जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसको आपने अक्सर कहते सुना होगा कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत अधिक डेट्स याद करनी है, इस प्रकार हिस्ट्री को लेकर बहुत अधिक बोरिंग महसूस करते थे. हिस्ट्री चेंज टाइम टू टाइम. अब ये भी निश्चित है कि जो हिस्ट्री है एक जैसी कभी नहीं रहती, एक समान नहीं होती. अब ये चेंज होती है टाइम टू टाइम. और इट मीन्स आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आप एनिशेंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, आप मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो उनका जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग टाइम पीरियड है. उस अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग घटनाएं घटी थी. तो प्रत्येक जो कैटेगरी है, एनिशेंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों की परिस्थितियाँ, तीनों की सर्कमस्टांसिस एक दूसरे से अलग आएगी. आप इसको देखते हैं, अगर आप एनिशेंट टाइम का सोशल लाइफ पढ़ेंगे, वो सोशल लाइफ चेंज होगा मेडिवल पीरियड से, मेडिवल पीरियड का सोशल लाइफ चेंज होगा मॉडर्न टाइम से. आप मौर्य डायनेस्टी को पढ़ेंगे तो मौर्य डायनेस्टी की इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ चेंज होगी फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी. तो आपने देखा अलग अलग पीरियड के अंदर अलग अलग ये चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो. सेकेंडली इसके अंदर बताया गया है डेट टाइम पीरियड, यानी हिस्ट्री के अंदर जो डेट्स होती हैं, जो टाइम्स होती हैं, उनको बहुत अधिक प्रीफर किया जाता है, उनको बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, ज़्यादा उन चीज़ों पर फोकस किया जाता है. और हिस्ट्री के अंदर हम अक्सर पास्ट की तुलना प्रेजेंट से करते हैं, अर्थात पास्ट में जो इंसिडेंट हुआ, पास्ट में जो घटनाएं घटी और वर्तमान में उनका क्या रेफरेंस है, उससे हम तुलना करते हैं. सेकेंडली इसके अंदर देखें, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, सच एज बुक्स को देखते हैं, नोटबुक को देखते हैं, रेल को देखते हैं, डाक को देखते हैं, लेकिन अक्सर उनसे हम क्वेश्चन नहीं पूछते. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कभी कभी उनके बारे में हम क्वेश्चन पूछते हैं, सच एज मान लीजिए टी. यहाँ पर टी का एग्जांपल दिया गया आपकी बुक के अंदर. आप किसी टी स्टॉल पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, तो अक्सर आपके माइंड में, आपके दिमाग में ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि सबसे पहले जो चाय थी उसका इन्वेंशन, उसका आविष्कार कहाँ हुआ, इट मीन्स सबसे पहले टी कहाँ बनाई गई,
ये आपके मस्तिष्क में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, किस कंट्री में बनाई गई, ये आपके मस्तिष्क में प्रश्न हो सकता है। अगला है ट्रेन। सपोज करो आप विजिट कर रहे हैं, यू आर गोइंग एनी प्लेस, तो जब आप यात्रा कर रहे हैं उस दौरान आप देखते हैं ट्रेन से बाहर आउटसाइड, तो बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे सीन, अच्छे अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं, तो उस दौरान आपके मस्तिष्क में प्रश्न हो सकता है कि सबसे पहली जो ट्रेन थी किस कंट्री में चली, अमेरिका में चली, चाइना में चली, भारत में चली। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके मस्तिष्क में क्रिएट हो सकते हैं। अलग न्यूज़पेपर, कल्पना कीजिए यू आर रीडिंग ए न्यूज़पेपर, देन ए क्वेश्चन क्रिएट इन योर माइंड कि सबसे पहले जो न्यूज़पेपर था वो किस, प्रिंट होना कहाँ स्टार्ट हुआ, किस कंट्री में स्टार्ट हुआ। इन चीज़ों को लेकर भी कई बार बहुत सरप्राइज करने वाले क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकते हैं, और कई बार बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में नहीं होते हैं लेकिन कुछ को देखकर हो सकते हैं। इनके एग्जांपल्स आपकी बुक्स में दिए गए हैं कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकते हैं। कई बार अक्सर से नहीं होते लेकिन कई बार इस चीज़ के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। कई बार ये होता है कि जो डेट्स होती हैं कुछ डेट बिल्कुल फिक्स होती हैं। फिक्स डेट का मतलब आपसे कोई पूछे कि आप बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हैं, व्हाट इज़ द डेट ऑफ योर बर्थडे, तो आपको निश्चित है कि आपका जो बर्थडे की डेट है वो आपको ज़रूर पता है, लेकिन अदर पर्सन के बर्थडे की डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको याद नहीं है, लेकिन खुद के बर्थडे की डेट हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार ये जो कुछ फिक्स डेट होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमें सीधे रिलेट करते हैं, उन डेट्स को हम अक्सर याद रखते हैं। जैसे आपकी बर्थडे की डेट है, या आपने उस कोई अच्छा इवेंट हुआ है, सच एज कोई मैरिज का फंक्शन आपके परिवार में हुआ है, या इस तरह की चीज़ आने वाली है, तो उन डेट्स को हम ज़रूर याद रखते हैं। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है एक ऐसा समय, लंबा समय। इस पीरियड ऑफ टाइम को आप देख सकते हैं कि जो टी है, अब टी का भारत में सभी लोगों ने टी पीना कब शुरू किया था, अब इसका आंसर एक स्पेशल, एक पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डेट से आप नहीं दे सकते, क्योंकि लोगों ने धीरे धीरे चाय पीना स्टार्ट किया होगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा, और इस चीज़ को डेवलप होने में एक पीरियड ऑफ टाइम लगा होगा, राइट। तो इस प्रकार के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं नेशनल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था उसमें कितना टाइम लगा था, तो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होने में भी एक दिन नहीं लगा था, क्योंकि लोगों के अंदर ये फीलिंग उत्पन्न होगी कि हमें ब्रिटिशर से फ्रीडम गेट करनी है, आज़ादी प्राप्त करनी है, तो ये धीरे धीरे मन में क्वेश्चन उत्पन्न हुआ होगा, धीरे धीरे आंदोलन चला होगा, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए होंगे, तो इनका आंसर ये नहीं दे सकते, एक निश्चित समय से इसका आंसर नहीं दिया जा सकता कि किस दिन ही नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ था, क्योंकि इस नेशनल मूवमेंट को शुरू होने में इसने बहुत अधिक लंबा समय लिया था। नेशनल मूवमेंट टेक्स ए लॉन्ग टाइम, इसके अंदर बहुत लंबा समय उसके द्वारा लिया गया था, तो इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबा समय लिया गया था। तो इस प्रकार एक निश्चित डेट होती है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें एक इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं उनको बताया जाता है। सेकेंडरी होता है कि जो पीपल हैं, लोग हैं, वो इतिहास के अंदर डेट्स को ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, इसके पीछे रीजन था, इसके पीछे एक रीजन था कि देर वॉज अ टाइम वैन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बाई बैटल्स एंड अकाउंट्स, यानी देर वॉज अ टाइम इन द हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा समय था जब हिस्ट्री पढ़ने का मीनिंग ही सिर्फ ये होता था कि देर वॉज एन अकाउंट ऑफ बिग बैटल्स, हिस्ट्री पढ़नी है इट मीन्स बड़े बड़े युद्धों के बारे में पढ़ा जाएगा, राजा के बारे में पढ़ा जाएगा, रानी के बारे में पढ़ा जाएगा, ओके इनके बारे में पढ़ा जाएगा, एंड अकाउंट्स यानी कौन सा युद्ध लड़ा गया, किस राजा ने कब किस युद्ध में लड़ा, कौन जीता कौन हारा, यानी हिस्ट्री का सिनोनिम्स ये बनाया गया था कि हिस्ट्री पढ़नी है तो इट मीन्स आपको युद्धों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अकबर ने कौन से युद्ध जीते, बाबर ने कौन से युद्ध जीते, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, यानी हिस्ट्री को सिर्फ एक बैटल के ऊपर ही क्रिएट, बैटल के ऊपर मेन एजेंडा उसका सेट कर दिया गया था, केंद्र बिंदु ही युद्ध बना दिया गया था। इस प्रकार जो इतिहासकार थे वो हिस्ट्री को लिखने में मेन जो टारगेट अपना बनाते थे वो युद्धों के बारे में लिखते थे, वार के बारे में ही लिखते थे। हिस्टोरियन अक्सर लिखते थे वैन किंग क्राउंड का राजा कब, राजा ने कब सिंहासन प्राप्त किया, मैरिड कब शादी हुई, चाइल्ड कब उसके बच्चे हुए, एंड ए पर्टिकुलर ईयर द पर्टिकुलर ईयर ही फॉट ए बैटल, और किस विशेष वर्ष में उसने कौन सा युद्ध जीता। इट मीन्स इतिहासकार थे वो लिखते थे कि राजा सिंहासन पे कब बैठा, कब उसने शादी की, कब उसके बच्चे हुए, और किस पर्टिकुलर युद्ध में उसने किस राजा को हराया। यानी हम देख रहे हैं कि इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, उसका सेंटर बिंदु राजा ही है, उसके पर्सनलिटी उसी के बारे में बार बार मेंशन किया जाता था, अन्य चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता था। किंग वाज द मेन सेंटर इन अर्लियर हिस्ट्री टाइम, ये राजा को मेन सेंटर मानकर सब चीज़ें, उसकी पर्सनलिटी को केंद्र बिंदु मानकर ही सब चीज़ों को लिखा जाता था। बट लेटर फ्यू ईयर्स, ये जो लेटर फ्यू ईयर्स अभी कुछ समय से
अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें बदलाव आया है, इसमें चेंज आया है। अब जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भी हिस्ट्री को एक अलग तरीके से लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर देखें तो एक ही व्यक्ति के बारे में लिखना, एक ही पर्सनलिटी के बारे में लिखना, उसके इर्द गिर्द हिस्ट्री को घुमाना बहुत गलत है। इस कारण जो हिस्टोरियंस हैं अब उन्होंने क्या कर दिया, हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट ए होस्ट ऑफ अदर इशूज। अब हिस्ट्री के अंदर जो अन्य इशूज थे, अर्थात जो घटनाक्रम था, चाहे वो मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रहे हैं या अन्य डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, उस डायनेस्टी के अंदर अन्य जो लोग थे, चाहे वो अन्य जो लोग थे, चाहे लेबर वर्ग थे, किसान वर्ग थे, कारीगर वर्ग थे या मर्चेंट्स थे, उनकी लाइफ के बारे में भी लिखा जा रहा है। कॉमन पीपल की जो लाइफ थी उसके बारे में लिखा जा रहा है, और राजा रानी उनके अलावा जो अन्य समितियाँ थी, अन्य कमेटियाँ थी या अन्य जो इंपॉर्टेंट पर्सनस थे, उनको भी हिस्ट्री के अंदर जगह दी जा रही हैं, और जो डेट्स था उनको, डेट्स को भी कम महत्व दिया जा रहा है। दे राइट हाउ कॉमन दे रोट या दे आर राइटिंग अबाउट कॉमन पीपल, वो लिख रहे हैं अबाउट द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, जो साधारण लोग थे उनके लाइफ के बारे में लिख रहे हैं। हाउ डिड दे अर्नड, वो कैसे कमाते थे, और व्हाट वाज देयर लाइवलीहुड, उनकी आजीविका क्या थी, एंड प्रोड्यूस्ड, और वो लोग क्या उत्पादन करते थे, उनके कमाने के तरीके क्या थे, उनके बारे में वो लिख रहे हैं। इट मीन्स वो लिख रहे हैं कि जो लाइफ थी कॉमन पीपल की लाइफ थी, उनके सोशल लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में भी लिख रहे हैं। तो अब आप हिस्ट्री की बुक्स को देखते हैं, इन सभी के बारे में उसे मेंशन किया गया है। कॉमन जो लोग थे उनकी प्रत्येक उनकी लाइफ के एस्पेक्ट को यहाँ पर वर्णन किया गया है। हाउ किंगडम वर फॉर्म्ड, अब ये हिस्ट्री में लिखा जाता है कि प्रेजेंटली कि जो साम्राज्य थे उनका जन्म कैसे हुआ, एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, और किस प्रकार नए नए जो आइडियाज आ रहे थे उनका फैलाव कैसे हुआ, एंड हाउ कल्चर, जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसका फैलाव कैसे हुआ, एंड सोसाइटी चेंज, और जो समाज था वो कैसे बदला। इट मीन्स पहले का जो सोसाइटी अलग थी, और एक पीरियड के बाद जब दूसरा पीरियड आया उसमें सोसाइटी कैसे थी, उसमें क्या क्या चेंजमेंट आया। तो ये जो हमारा चैप्टर था इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। इसका सेकंड जो पार्ट है, कौन सी तारीखें, विच डेट्स वर इम्पोर्टेंट, ये हम अगले वीडियोज़ में लेंगे। तो 8th क्लास के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।